राजस्थान के डीग स्थित कामा में पंच कल्याणक का भव्य आयोजन चल रहा है। 3 मार्च को ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य ने तो मानो इस महोत्सव में 4 चांद लगा दिए हैं। पाषाण को परमात्मा और नर से नारायण बनाने वाले इस महोत्सव में कामा का समग्र समाज उत्साह के साथ सहभागिता कर रहा है। 3 मार्च को भक्तों ने ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। प्रभु शांतिनाथ के इस पंच कल्याणक महोत्सव में कामा के जैन समाज को आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ओम प्रेम भाग शुक्ला नव्यम दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः जल बलादि अर्घ्यम नृपामिते। महोत्सव के 5वें दिन भक्तों ने प्रभु की वृहद शांति धारक इंद्रेन्द्राड़ियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु के समक्ष मंडल पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर प्रभु के कैवल्य ज्ञान पूजन की गतिविधियां संपन्न की। परमेश्वर प्रभु भव दुख मेटो अंतर्यामी। ओम श्री महान सिद्धाचार्य पद सर्व साधुभ्यो नमो नमः पंच परमेश्वरभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपामिते। पूजन में मौजूद सभी इंद्र इंद्राणियों ने अपने हाथों में चवर लेकर संगीतकार के मधुर भजनों पर नृत्य किया। सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। सागर की भला क्या गाए को। श्रावकों ने नवधा भक्ति पूर्वक महामुनिराज को आहार कराया। सभी भक्त इस पंचम काल में चतुर्थ काल की आहारचर्या के दर्शन कर अत्यंत भाव विभोर हो गए। कामा पंच कल्याणक महोत्सव में सहभागिता कर भक्त बड़े ही आनंदित नजर आए। आज आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में ज्ञान कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम चरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बृहद अधिवेशन यहां आयोजित हुआ, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो आचार्य सुनील सागर महाराज का पाद प्रक्षालन और उनको श्रीफल भेंट करने का कार्यक्रम भी हुआ। इसके बाद भगवान की आहार क्रिया हुई, जिसमें राजा सुमित्र के रूप में श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी जैन और उनकी धर्मपत्नी संगीता जैन लहसरिया परिवार को यह सौभाग्य मिला। जैसे ही आहार क्रिया प्रारंभ हुई, वैसे ही मांगलिक गान होने लगे और सभी इंद्र इंद्राणी झूमते हुए नजर आए। और आचार्य श्री के द्वारा जिनने आहार चर्या में भाग लिया, उनको नियम आदि दिलवाकर संयम का पालन करवाया। दिल हमारा बहुत ज़्यादा प्रसन्न खुश हो गया। मतलब उनका तो आहार हमने जीवन में पहली बार दिया है और हमारा मन बहुत प्रसन्न है, विशेष खुशी है। और हमारे मिलने वाले रिश्तेदार सब बहुत खुश हैं, सब ने बहुत ही अच्छा वो दिया है आहार। कल्याणक में तो हम कामा के ही हैं, तो कामा पंच कल्याणक में बहुत आनंद आ रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, सब कुछ लोग खूब आ रहे हैं। पब्लिक व्यवस्था बहुत बढ़िया, खाना पीना सब अच्छी व्यवस्था है, संगीत व्यवस्था रात्रि को सब कुछ अच्छी व्यवस्था चल रही है। यहाँ 28 फरवरी से 4 मार्च तक भव्य पंचकल्याणक महोत्सव चल रहा है। जिनवाणी चैनल, जिसको पूरे देश में देश विदेश में लोग वाक सभी लाइव देख रहे हैं। यहाँ महाराज जी का भव्य मंगल प्रवेश 28 फरवरी को बहुत जोर शोरों से हुआ। प्रवेश के समय RSS संघ सभी मौजूद थे, सारी समाजें कामा की सभी मौजूद थी। उसके बाद से डेली क्रियाएँ चल रही हैं। मैं और मुझे पर मेरे परिवार को आहारदाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हमने भगवान को आहार दिया। श्री शांतिनाथ जिनबेन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कामा नगरी में बड़े ही धूमधाम के साथ चल रहा है। आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का 5 दिन है और ये 5 दिन कहाँ निकल गए। गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध क्रिया, उत्तरार्ध क्रिया, जन कल्याणक महामहोत्सव, जिसमें एक विशाल जुलूस कामा नगरी में निकले, ऐतिहासिक जुलूस, जिसमें सर्व समाज कामा ने, जैन ही नहीं जैनितर समाज ने जो साहस जुलूस के लिए दिखाया वो अभूतपूर्व था। कामा नगरी में इतना धर्म की गंगा बह रही है। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ सब काम निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं। कामा में आयोजित हो रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन 4 मार्च को मोक्ष कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के साथ किया जाएगा। जैन फोकस के लिए कामा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।